जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बियर्ड के बारे में। और अभी अभी नोशेव नवंबर गया है, पर मेरे से कई भाई होंगे जिनके पास उगाने के लिए कुछ नहीं था। पर इंसानों को भी हार माननी चाहिए। और बात ऐसी है कि अगर अपन इस चीज को साइंटिफिक रूप से देखें तो आपको आपके फिजिकल फीचर्स जैसे कि आपके नाक, कान, बाल, जिस तरह आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों से मिलते हैं ना, ठीक उसी तरह आपको आपके हॉर्मोन्स भी आपको आपके एंसेस्टर्स से मिलते हैं। और बियर्ड ग्रोथ में हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और नोशिव नवंबर अगले साल फिर से आएगा, पर आपको नवंबर का वेट क्यों करना है बियर्ड बनाने के लिए? ओ, ये तो मेरा पहला टिप था, जस्ट लेट इट ग्रो। मुझे पता है आपने भी शाहिद कपूर की तरह या विराट कोहली की तरह अपनी दाढ़ी को बढ़ाने का सोचा होगा, पर आपने उस बढ़ाने की कोशिश में अपनी पैची बियर्ड देख के उसको काट दिया होगा। पर आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको अपनी बियर्ड को एक महीने के लिए या दो महीने के लिए बढ़ने देना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बार अपनी बियर्ड को बढ़ने देते हैं ना, तो उससे आपको ये पता लगता है कि आपके बियर्ड के जो बाल हैं उसकी एक्चुअल थिकनेस कितनी है और आपकी किस पैटर्न में बियर्ड आ रही है, आपके किधर किधर पैची बियर्ड आ रही है। टू है दोस्तों एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको दाढ़ी उगानी है तो आपको करनी पड़ेगी कसरत। देखिए, आपको ये तो पता ही है कि जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो अपन के अंदर फैट लॉस और मसल गेन होता है, पर साथ ही साथ जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तब अपन के अंदर से टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो अपन लड़कों में मैनली फीचर्स डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो एक्टर्स के और स्पोर्ट्स पर्सन की जो बियर्ड्स होती हैं वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा वर्कआउट करते हैं कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होते हैं वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होते हैं। आप एक्सरसाइज करते रहिए, आपकी बॉडी भी बनेगी और आपकी बियर्ड भी ग्रो होगी। मेरा नेक्स्ट टिप है इम्प्रूव योर डाइट। देखिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ बियर्ड के लिए ही नहीं, आपके ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए भी एक हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें बियर्ड ग्रोथ के लिए, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो आपके बियर्ड के बाल होते हैं वो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो खुद को ग्रो करने के लिए सारे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेती है। इसलिए आपको हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट टिप है ब्रश योर बियर्ड। आप इस चीज को नहीं भूल सकते। देखिए, जब भी आप अपनी बियर्ड को ब्रश करते हैं ना, आपकी बियर्ड वाले पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, साथ ही साथ आप अपनी बियर्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वो ग्रो कर सके। पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी बियर्ड को हल्के हाथों से ब्रश करना चाहिए, क्योंकि आपकी बियर्ड आपके फेस का पार्ट है और आपकी फेस की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। इसलिए आप हमेशा हल्के हाथों से अपनी बियर्ड को ब्रश कीजिए। मेरा नेक्स्ट टिप है शेप योर बियर्ड। देखिए, आपके पास एक घनी बियर्ड हो सकती है, पर जब तक वो एक प्रॉपर शेप में ना हो वो किसी को अट्रैक्टिव नहीं लगती। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके चीक्स पे और आपके नेक्स पे जो एक्स्ट्रा बियर्ड आ रही होती है आपको उसे ट्रिम कर लेना चाहिए। जब आप अपनी बियर्ड को एक पर्टिकुलर शेप में रखते हैं ना, तब वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में डेफिनेशन ऐड करती है और साथ ही साथ आपको एक परफेक्ट जॉलाइन वाला लुक देती है। मेरा नेक्स्ट टिप है मेक इट वर्क। आपने बियर्ड बढ़ा ली, आपने डाइट इम्प्रूव कर ली, आपने एक्सरसाइज कर ली और फिर भी आपकी बियर्ड नहीं आ रही, तो इधर आपको स्मार्ट प्ले करना चाहिए। आपकी जितनी भी बियर्ड आ रही है उसको आप किस शेप में लाके अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, वो चीज़ आपको ढूंढनी चाहिए। आप गूगल पे अलग अलग बियर्ड स्टाइल देख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को से इंस्पायर हो सकते हैं, पर आपको इधर स्मार्ट प्ले दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी अगर बियर्ड नहीं आ रही है तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बियर्ड काफ़ी हद तक आपके हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप अपने क्लीन शेव में खुद को प्यार करना सीख गए तो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई नहीं लग सकता।